अच्छा, तो ये हमारे पास मेयरमेंट चैप फिजिक्स का सबसे पहला चैप है हमारे पास मेयरमेंट का। उसके हमारे पास जीनियस गाइड के एमसीक्यूज हैं। ओके, इनकी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि द स्टैंडर्ड विद विच थिंग आर कंपेयर्ड। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिनके साथ हम चीज़ें कंपेयर करते हैं। सो वो क्या है हमारे पास, यूनिट। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा, अब हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल क्वान्टिटी। कौन सी हमारे पास जो है वो हमारे पास फिजिकल क्वान्टिटी नहीं है। मोमेंटम दिए हुए हमारे पास फिजिकल है, टाइम हमारे पास फिजिकल क्वान्टिटी है, रेडियस हमारे पास फिजिकल क्वान्टिटी है, पॉइंट ये तो हमारे पास कोई क्वान्टिटी नहीं है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड क्वान्टिटी, ग्रेविटेशनली ये भी डिराइव्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डिराइव्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमारे पास नहीं है स्टैंडर्ड, लेकिन लुमिनस इंटेंसिटी जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वान्टिटी है जो हमारे पास। ओके, अच्छा, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ एम सी क्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वान्टिटी। लुमिनस इंटेंसिटी अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये हमारे पास बेसिक है, बेस फिजिकल क्वांटिटी में आती है, लेंथ भी हमारे पास बेस में आती है, इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे पास बेस में आते हैं। सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ नॉन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास। जो हमारे पास एसआई यूनिट नाउ मीटर हमारे पास एसआई यूनिट है, ये ऑप्शन गया किलोग्राम, एसआई ऑप्शन गया किलोग्राम, एसआई ऑप्शन गया, सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। द यूनिट ऑफ मास इन गॉसियन सिस्टम, गॉसियन सिस्टम सी जी एस को कहते हैं। ओके, सो उसमें हमारे पास सी जी एस में किलोग्राम है, वैसे एम के एस में किलोग्राम है, और सी जी एस में फिर ग्राम है, और फिर एफ पी एस में हमारे पास लगे। ये हमने अपने लेक्चर में भी पढ़े हैं। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन में। इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल देन। अच्छा, हमें कह रहे हैं कि अगर रेडियस ऑफ सर्कल हो, इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कल, अगर एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस हमारे पास टू पाई आर है, रेडियस हमें मालूम करना है, ये कट गए, पाई पाई कट गए, सो रेडियस हमारे पास क्या बचा, टू। टू इज आवर करेक्ट ऑप्शन। हम जाते हैं नेक्स्ट पेज में, सो टू इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द एंगल सबटेंडेड बाई सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर। तो सेंटर पे हमारे पास टू पाई रेडियन के एंगल हमारे पास सबटेंड होते हैं। ओके, सर्कल का द एंगल सबटेंड सेंटर ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर कितना होता है, स्फीयर हमारे पास फोर पाई स्टी रेडियन होता है। ओके, सो नन इज द करेक्ट ऑप्शन। टेन, स्टीरेडियन कैनल सो बी कॉल्ड स्टीरेडियन को हम क्या कहते हैं, स्टीरेडियन को हम स्क्वेयर रेडियन कहते हैं, रेडियन मेटेरेडियन नहीं, स्क्वेयर रेडियन हम इसको कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, सो सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है, फोर पाई स्टी रेडियन। और अगर सर्कल पूछते हैं, सर्कल का हमें ऊपर खड़े कि वो हमारे पास टू पाई रेडियन है। ये हमारे पास देखिए पास्ट पेपर में भी आया हुआ है। द नंबर 350 इज इक्वल टू, अच्छा ये नंबर हमारे पास कितने बराबर है। ओके, अच्छा जो भी होता है ना, हम फर्स्ट नॉन जीरो पे पॉइंट लाते हैं, सो 3.5 तो हो जाएगा, इसमें नहीं है, बाकी तीन में है। चलो कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 की पावर 8। ओके, सो 10 की पावर 8, इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द नंबर जीरो, अच्छा देखो फिर यही है, फिर हमें क्या नॉन जीरो डिजिट वन है, वन पे लाना होगा, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इस तरह 1.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखो एक कितने पॉइंट लाइन, 1, 2, 3 लाइन है 10 की पावर माइनस 3, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 1.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, 13 में हमारे पास सी करेक्ट है। वट इज़ द रेशियो ऑफ 1 गीगामीटर बाय माइक, अच्छा गीगा डिवाइड बाई माइक्रो, हमें पता है कि डी का होता है पहले, फिर हेक्टा, किलो, मेगा और गीगा। मेगा हमारे पास 6 होता है, जबकि गीगा हमारे पास 10 की पावर 9 होता है। ओके, सो 10 की पावर 9 में पुट करता हूँ, माइक्रो क्या होता है 10 की पावर माइनस 6 होता है, ऊपर जाएगा, सो 10 की पावर 9 प्लस 6 हमारे पास 10 की पावर 15 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। सो 10 की पावर 15 इज करेक्ट। 14 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 गीगाबाइट, अभी हमने पढ़ा गीगा में 10 की पावर 9 होता है, सो 10 की पावर 9 बाइट, 15 में ये ऑप्शन सही है। अ स्टूडेंट मेजर करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 दिए हुए कि, अच्छा देखो इसको हम अगर 50 मिली है, मिली में तो माइनस 3 होता है, सो 3 पीछे जाएगा ना, तो 0.05 हो जाएगा ये, तो वहाँ पे तो 0.5 है, ये गलत। 50 मेगा ये तो आगे 0 आएगा, ये भी गलत। 500 मिली है ना, सो ये 3 पीछे जाएगा, 1, 2, 3 सी हमारे पास 0.5 बनते हैं, सो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, मिली माइनस 3 होता है,
10 की पावर माइनस 3 पीको डीसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पीको माइनस 12 होता है। ओके सो माइनस 12 और माइनस 3 हमें माइनस 10 की पावर माइनस 15 दिया है, जबकि सेंटी और किलो तो कट जाएंगे आपस में, 10 की 10 सिर्फ बच जाएगा, गीगा तो फिर प्लस की वैल्यू है, नैनो माइनस 9 है, बाकी तो कुछ नहीं है। सो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 17 में हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। कल इज द यूनिट ऑफ एसोलेशन नेम आफ्टर गैलीलियो। अच्छा कोई भी साइंटिस्ट का नाम हो तो उससे पहला लेटर हम क्या लिखते हैं उसमें बड़ा लिखते हैं, सो 18 में हमारे पास ए वाला सही होगा। द प्रीफिक्स टेरा, टेरा हमारे पास क्या है, पहले डी का है हमारे पास, फिर हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ओके सो ये 1, ये 2, ये 3, ये हमारे पास 6, ये 9 और ये 12, सो 10 की पावर 12 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो 19 में हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। द प्रीफिक्स पीको, फिर ये माइनस में कोई डी सी होता है, सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। ओके नैनो माइनस 9 होता है, ये हमारे पास माइनस 12 होता है, सो पीको हमारे पास माइनस 12 हो जाएगा। 20 में सी करेक्ट है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 माइक्रोमीटर, सो ये 1 और माइक्रो मीटर हम इकट्ठे लिखते हैं। ओके ये हमारे पास करेक्ट रिप्रेजेंटेशन 21 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है सेंटी तो माइनस 2 होता है, इसके ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा और मीटर के ऊपर भी स्क्वेयर आ जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर करेक्ट हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर, बाईस में सी ऑप्शन हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर, ये वाला सही। ओके वो सिर्फ क्योंकि वो आता वही है लेकिन ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ, तो सो हम नीचे भी लिखते हो। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, फिर हमें यहाँ 2.3 लाना होगा, 2.3 कितने पॉइंट, 1, 2, 3, 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, सो 2.3 23 में हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द मेयर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम एरर कहते हैं। द क्वान्टिफिकेशन ऑफ द डाउट अबाउट द मेयर वैल्यू, हम इसको अनसर्टिनिटी कहते हैं। एन एरर दैट कैन बी प्रिडिक्टेड एंड रिमूवेबल, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सिस्टमेटिक एरर। रस्टिंग ऑफ मेयरिंग एपरेटस, तो ये भी हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है। द मेयरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में से रैंडम एरर एंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा करेक्ट क्या होता है, रैंडम एरर आर ऑलवेज कॉज बाय द पर्सन, ठीक है ना, ये तो किसी उसकी वजह से भी हो सकता है कोई, यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के। सिस्टमेटिक एरर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ये भी गलत बात है। रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय, ठीक है हाँ ये सही, अगर हम कोई एवरेज वैल्यू ले रहे तो रैंडम एरर को हम कम कर सकते हैं। द टाइप ऑफ एरर विच मे अराइज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, तो ये हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि वो हमारे पास कौन से एरर हैं, वो हमारे पास रैंडम एरर भी होता है और इसको हम स्टेटिस्टिकल एरर भी कहते हैं। सो बोथ बी एंड सी। 73 राउंड टू द नियरेस्ट 10, 73 को हम कौन से नियरेस्ट जो उसके साथ है उसमें हम इसको राउंड कर सकते हैं। अच्छा देख लेना 73 बिल्कुल बीच में, यह तो ये जाएगा। अच्छा इसने क्या कि इसने देखो ऑप्शन भी 75 इसने नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो नियरेस्ट हमारे पास कौन से 70 से, तो ये हमारे पास, लेकिन देखो ना 73 है, इसके आगे ना 5 से ग्रेटर है भी नहीं है, सो हमारे पास ये 0 हो जाएगा और ये वहीं का वही 7 हमारे पास रहेगा। 30 में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। 860 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, 860 हमारे पास नियरेस्ट 100 में किसके पास जाएगा, हमें पता है कि 860 किसके नज़दीक है, 900 के नज़दीक है ना, सो ये हमारे पास 900 में जाएगा। वैसे हम कर ले 6 ग्रेटर देन 5, सो 8 बढ़ जाएगा, सो 900 हमारे पास करेक्ट है। 3.1416 राउंडेड टू 100, 100 क्या होगा, यूनिट टेंस 100, 3.14 तक लाना है, 3.14 सी ऑप्शन है, बढ़ेगा कोई नहीं क्योंकि उसके बाद तो 1 है, 1 तो ग्रेटर देन 5 नहीं है, सो 32 में हमारे पास सी करेक्ट है। द फिगर 1.2635 राउंडेड टू 10th यूनिट एंड 10th, ठीक है, सो 5 और 8 एक बढ़ जाएगा, वैसे 4 और 6 वैसे ही रहेगा, सिर्फ 1.3 हमारे पास ये सही हो जाएगा। 33 में हमारे पास ए वाला, क्योंकि 10 तक हमने लाना है, दो डिजिट तक, 3.1635 राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ तक लाना है, 3 तक लाना है, सो 5 3 पॉइंट नीचे जाते हैं ना, 34, 3.164 हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस है, सो सी ऑप्शन ही हमारे पास 34 में करेक्ट है। 143.9 राउंडेड टू 3 डिजिट, 3 डिजिट में हमने इसको लाना है, 9 ग्रेटर देन 5, सो 144 इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 35 में डी आएगा। 15.239 राउंडेड टू 10 सी यूनिट 10, 15 में लाना है, ये 0.239 है, ये तो 15 के यानी 0 के ही नज़दीक है, सो ये 0 हो जाएगा, सो 15.0, लेकिन हमने 10 तक लाना है, यूनिट 10, सो 15 ही हमारे पास करेक्ट है।
ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट वन मई द मास ऑफ मॉस्किटो टू दिस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पावर को हम बिल्कुल गिनते ही नहीं है, सो ये तीन हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। 37 में हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 1.338, 1.239, 1.23 सिग्निफिकेंट, सो 3 सिग्निफिकेंट, 9 बड़ा है ना, 1.24 हमारे पास 3 जो है ना वो एक ज़्यादा हो जाए क्योंकि 9 तो ग्रेटर देन 5 है, सो 38 में हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट। 134.9 राउंडेड टू 1 सिग्निफिकेंट, 134 जो है एक सिग्निफिकेंट में हमने लाना है। ओके, अब 134 200 के नज़दीक है या 100 के, हमें पता है कि 100 के नज़दीक है, सो एक तक लाना है। इसमें 3 है, ये गलत, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट में, इसमें तो एक है लेकिन 134 के एक के बराबर हो सकते हैं ना, इस 1 × 10^2, दिस इज करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि पावर तो हम सिग्निफिकेंट गिनते नहीं है, सिर्फ 1 ही, इस हमारे पास एक सिग्निफिकेंट है। 0.0185 राउंडेड टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसलिए हम नीचे दिए हुए इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, अब देखते हैं 40 हमारे पास 40, ओके 40 में हमारे पास किस तरह करेंगे। अच्छा, वो 2 डिजिट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक कन्वर्ट करना, ये वाले तो 2 हैं ही नहीं क्योंकि पॉइंट से इस तरफ वाले नहीं होते हमारे पास। ओके, इसमें एक सिग्निफिकेंट है ये गया, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट है ये भी गए। ओके, अब 0.0185 है, इवन है, इवन तो वैसे ही रहता है हमारे पास, सो 40 में हमारे पास बी वाला ऑप्शन ही रहेगा, कोई चीज़ ही नहीं बड़ी क्योंकि अगर ये ऑड होता फिर हम एक बढ़ा देते। 8.350 राउंडेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 8.35 हमारे पास 5 है उसके बाद 0, लेकिन ये हार्ड है तो बढ़ जाएगा 8.4, सो 41 में हमारे पास सी सही है। 8.94 राउंडेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अब 8.995 हमें 2 में कन्वर्ट करना, सो 5 बड़ा है सो 9 हमारे पास 10, ये भी 10 हो जाएगा, ये हमारे पास 9, सो 9.2 में कन्वर्ट करना है, 9.042 में हमारे पास ए हो जाएगा। 43, 3.14159 राउंडेड टू 4 सिग्निफिकेंट, 1, 2, 3, 4, 1 तक लाना है ना, 9.5 को बढ़ाएगा, 6, 6, 1 को बढ़ाएगा, 2, सो 3.142, 3.142, 43 में भी हमारे पास ए करेक्ट है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेयर वैल्यू में से कितने, एक ये हो गया, एक बीच वाला हो गया, एक ये हो गया हमारे पास, एक ये, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ जाए ये हो भी होता है ये, सो 3 सिग्निफिकेंट, 44 में हमारे पास बी करेक्ट है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फिर हमारे पास देखो नॉन जीरो और पॉइंट के बाद जीरो तो होती है सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2, 3, 4, 5, सो 5 सिग्निफिकेंट, 45 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट है। 9 फिर पॉइंट के बाद जीरो आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, फिर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे, फिर पॉइंट के बाद आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, फिर हमारे पास 5 है, सो 47 में फिर हमारे पास डी है। स्टूडेंट मई द डायमीटर ऑफ आवर यूजिंग स्क्रू गेज, ये हमारे पास लीस्ट काउंट है, इधर भी यही लीस्ट काउंट ढूंढो, 0.001, ये 0.1 है गलत, ये 0.01 है ये भी गलत, ये 0.001 है, यानी उसके बाद 3 डेसिमल प्लेस है, इधर भी 3 डेसिमल प्लेस है, ये करेक्ट है, ये हमारे पास गलत है। 3.00 × 10^10 पॉइंट के बाद 0 है तो वो तो गिनते हैं हमारे पास, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1, 2, 3, पावर को हम नहीं गिनते, 1, 2, 3 हमारे पास ये वाला करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में अच्छा ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, पॉइंट के बाद 3, 4, 5, 6, 7, सो हमारे पास 50 में ए ऑप्शन करेक्ट है, इसमें हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है, इसकी जो आगे एमसीक्यू है इंशाल्लाह हम वो फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करें।